शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिलने सैकड़ों समर्थक के साथ ददन पहलवान आज अपने पटना के आवास से निकल रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से काफिला यहां है पूरी तरह से। ददन पहलवान जिस तरीके से शहाबुद्दीन की मौत हुई थी उसके बाद काफ़ी जो राजनीति पार्टियां हैं या राजनीति नेता हैं वो उसामा से मिलने गए थे। कई जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो नेता हैं वो भी गए थे। ऐसे में ये कयास भी लगाया जा रहा था कि इसमें राजनीति बातें भी हो सकती हैं, लेकिन अभी ददन पहलवान अपने तमाम सैकड़ों समर्थक के साथ उसामा से मिलने सिवान जा रहे हैं। हालाँकि इसमें RJD के कई नेता ही मौजूद हैं, उन्हीं से सीधे जुड़ेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। RJD के नेता हमारे साथ हैं, उन्हीं से सीधे बात करते हैं। सैकड़ों समर्थन के साथ ददन पहलवान तो जा रहे हैं, लेकिन RJD के कई नेता शामिल हैं। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, वो जा रहे हैं उसामा बाबू से मिलने के लिए जा रहे हैं। सब लोग जा रहा है तो साथ में सब लोग चल जा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप तो कोई बात को छील छाल करते हैं। सारे लोग बिहार से, पूरे बिहार से क्या, पूरा UP से, बंगाल से, सारे लोग शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं। लोग जा रहा है मिलने के लिए। उत्ती घेरो MP साहब का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त लोग, कोरोना का टाइम था, नहीं जा सका था। अभी सब लोग को मौका मिला है तो सब उसामा से जा रहा है। ददन पहलवान जी पहले JDU में थे, हालांकि पार्टी छोड़ चुके हैं वो, और RJD के नेता, बड़े नेता माने जाते थे शहाबुद्दीन। क्या इसे राजनीतिक परिवर्तन भी कहीं देखा जा सकता? ना ना, ये सब गलत बात है। ददन पहलवान जा रहे हैं अपना भेंट करने के लिए उसामा बाबू से। सब लोग बोल के फ़ोन करके बात किए थे कि आना चाहते हैं मिलने के लिए, तो बोले कि वेलकम है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है। तो सब हम लोग भी जा रहे थे, सिवान तो ये भी साथ में चल रहे हैं। मतलब सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात के तौर पे। बस उसी का बात है और कोई बात नहीं है। औपचारिक मुलाकात ही है और कोई बात नहीं है। हालांकि बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों समर्थक के साथ ददन पहलवान अभी सिवान जिले के लिए निकलने वाले हैं शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से मिलने, उसके पहले आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भी गए थे उनसे मिलने, और कई ये कयास भी लगाया जा रहा था कि जो डैमेज कंट्रोल है वो करने की कोशिश की जा रही है RJD की तरफ से। लेकिन अब जिस तरीके से अब कोई पार्टी चलने वाला नहीं है, एक नया रूप बनेगा देश में। JDU भी चलने वाली है इसी बिहार में, JDU की स्थिति देख ही रहे हैं, कहां स्थिति है, सत्ता परिवर्तन दिखता है। नहीं, कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा है, विधायक कितना गाली सुन रहा है क्षेत्र में, MP गाली सुन रहा है, उसका DM, SP और आपका कलेक्टर से SDO, DSP, थानादार, BDO ब्लॉक बात कोई सुन नहीं रहा, तो विधायक के तो गाली लोग दे रहा है। मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश, लोकतंत्र बहाल करना। JDU के कद्दावर नेता माने जाते थे ददन पहलवान, हालांकि अब JDU में वो नहीं है। ऐसे में अपने तमाम समर्थकों के साथ वो अपने आवास से सिवान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, वहां पे उसामा से मुलाकात करेंगे। अब देखने वाली बात है कि उसामा के मुलाकात के बाद क्या कुछ आगे बिहार की राजनीति में होता है। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे लाइव बिहार। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।